हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डेली हेल्थ टिप्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ डिफरेंट, मतलब कि हैदराबादी स्पेशल डिलीशियस मटन बिरयानी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg मटन, और इसके लिए मटन के पीसेस थोड़े बड़े होने चाहिए, और मैंने इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिए हैं 1 kg बासमती राइस, और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन वाटर में हाफ एन आवर तक सोख होने के लिए रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मटन को मैरिनेट। इसके लिए मैंने लिया है एक एम्प्टी बाउल, और उसमें जाएगा 1 kg मटन। अब इसमें मैं डालूंगी 4 tablespoons रेड चिली पाउडर, 1.5 teaspoon हल्दी पाउडर, और इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यानी कि नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी 500 ग्राम यानी कि 500 ग्राम दही। हाँ फ्रेंड्स, 1 kg मटन में मैंने 1/2 kg मतलब कि 500 ग्राम दही इसीलिए डाला है ताकि हमारी बिरयानी बने एकदम मसालेदार। अब बारी आती है गरम मसाला स्पाइसेस ऐड करने की। तो इसमें मैंने लिया है दालचीनी के 6-7 पीसेस, थोड़ी सी जावित्री, 10-12 लौंग, 10 इलायची, 1.5 teaspoon शाजीरा, 2 स्टार एनीस और 4-5 कबाब चीनी। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 medium size के नींबू का रस यानी कि लेमन जूस, 4-5 बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश एंड ग्रीन पुदीना और धनिया की पत्तियां। धनिया और पुदीने की पत्तियों को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच बादशाह मटन बिरयानी मसाला। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 12 फ्रेश ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च, जो कि मेरी फेवरेट है। हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हरी मिर्च को बीच से कट लगाना होगा, जिससे कि इसके अंदर के स्पाइसनेस हमारे मटन मैरिनेशन में अच्छे से छूट सके। इस मटन में अब सबसे लास्ट में मैं ऐड करूँगी फ्राइड ऑनियंस यानी कि प्याज। इसके बाद इसे एक अच्छा सा मिक्स देकर अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने देंगे। हमने मटन को मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमें लेना है एक बड़ा सा एम्प्टी बाउल, और उसमें जाएगा 250 ml कुकिंग ऑयल, और तेल के थोड़े से गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 big size की ऑनियंस। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ ऑनियंस को राउंड राउंड स्लाइसेस में कट कर लिया है, बिकॉज इट्स हैदराबादी स्टाइल एंड इसके लिए हैदराबाद में बिरयानी के लिए राउंड प्याज ही काटी जाती हैं। अब मैं इस ऑनियन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करूंगी। लेकिन याद रहे, हमारे ऑनियंस जल ना जाए इसके लिए गोल्डन ब्राउन होने तक लगातार स्टिर करते रहना चाहिए। देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा रंग आया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐड करूंगी तली हुई प्याज के तेल में फ्रेश होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि है 300 grams। हाँ, जितना फ्रेश एंड जितना ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इस बिरयानी में ऐड करेंगे, हमारी बिरयानी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, अब हमें इस जिंजर गार्लिक पेस्ट को तब तक स्टिर करना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए।
फ्रेंड्स, अब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट लाइट ब्राउन हो चुका है और मटन मैरिनेट हुए हाफ एन आवर हो चुके हैं। तो देन मैं ऐड करूंगी ये मैरिनेटेड मटन इन द जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इस मटन को टेंडर होने तक अच्छे से कुक करेंगे और बीच बीच में इसे स्टिर भी करते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। और आप चाहे तो इस मटन को प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं, बट मुझे बिरयानी का टेस्ट विदाउट प्रेशर कुक वाला ही बढ़िया लगता है। हाँ, चलिए जब तक कि हमारा मटन कुक होता रहे हम कुक करेंगे हमारे बासमती चावल। बासमती चावल को कुक करने के लिए मैंने लिया है एक बड़े बाउल में 3 से 4 लीटर पानी। और अब इस पानी में मैं ऐड करूंगी 2 पीसेस दालचीनी के, 5 लौंग, 1 स्टारिनीस, 4 इलायची, थोड़ी सी जावित्री और 1/2 टीस्पून शाजीरा। इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। और सबसे लास्ट में इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यानी कि सॉल्ट और साथ ही 2 चम्मच ऑयल। हाँ, मैंने इसमें ऑयल इसीलिए डाला है फ्रेंड्स ताकि हमारे बासमती राइस स्टिकी ना हो और वो खिले खिले हों। अब हम इस पर लिड लगाकर इसके बॉईल होने तक का वेट करेंगे। यहाँ चलिए देखते हैं क्या हमारा मटन कुक हो चुका है। वाओ फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यू कांट बिलीव इट। मटन तो हमारा थोड़ा सा टेंडर होना बाकी है, इसे फिर से लिड लगाकर हम इसे कुक होने देंगे। हमारा मटन टेंडर हो चुका है, अब हम फ्लेम को बंद करके इसके ऊपर लिड लगाकर रख देंगे। हमारा राइस वाटर बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सोक किए हुए बासमती राइस। फ्रेंड्स ध्यान रहे, इसका पानी बहुत गर्म होता है, तो चावल धीरे धीरे ही डालिए। डालने के बाद इसे एक अच्छा सा मिक्स देकर इन चावल को 50% तक कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल 50% कुक हो चुके हैं। अब मैं चावल को पानी से अलग करके पानी को ड्रेन कर देती हूँ। मैंने चावल से पानी को निकाल दिया है, अब हम हमारी बिरयानी को दम देने के लिए उसके 2 लेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ी से बाउल में मैं चावल डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी आधा मटन विद मसाला जो कि हमने कुक करके रखा था। फिर इसके ऊपर एक लेयर राइस डालूंगी। और राइस के ऊपर डालेंगे 3 से 4 चम्मच प्योर घी। उसके बाद थोड़े से फ्राइड ऑनियंस। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां। इसके बाद मैं डालूंगी इसी के ऊपर आधा बचा हुआ मटन विद मसाला की सेकेंड लेयर। फिर उसके ऊपर लास्ट में डालूंगी राइस का लेयर। उसके ऊपर अगेन 2 से 3 चम्मच प्योर घी। इसके बाद ऐड करूंगी मेन इंग्रेडिएंट प्योर कश्मीरी केसर जिसको मैंने पहले ही दूध में भिगोकर रखा था। इसके बाद अगेन फ्राइड ऑनियंस, धनिया और पुदीने की पत्तियां। अब मैं इस बिरयानी को हैदराबादी स्टाइल में दम देने के लिए गूंदे हुए आटे को बॉईल के ऊपर राउंड लगाकर इस पर लिड लगाकर दम दूंगी। आपको इस पर गूंदा हुआ आटा कैसे लगाना है चलिए देखते हैं।
इसके बाद हम स्टव को ऑन करके इस पर रखेंगे एक पुराना सा पैन, जिसे मैं यूजुअली बिरयानी दम देने के लिए यूज़ करती हूँ। अब फ्लेम को हाई पे रखकर मैं इस पर रख दूँगी बिरयानी का बाउल और इसे दम होने के लिए छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट तक। चलिए, जब तक कि हमारी बिरयानी दम होती रहे, मैं बनाऊंगी बिरयानी के साथ सर्व करने के लिए दही का रायता। दही का रायता बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम्स दही। और इसे थोड़ा सा मिक्सअप करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डाल लूंगी। और अब इस दही के रायते को हेल्दी एंड टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हेल्दी एंड कलरफुल वेजिटेबल्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं स्क्रैप्ड कैरेट, छोटे पीसेस में कटे हुए खीरे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना। इन सब को दही में डाल लूँगी और एक मिक्स दूँगी। सबसे लास्ट में इसमें ऐड करूंगी अनार के दाने, जिससे हमारा रायता लगेगा एकदम कलरफुल। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा दही का रायता बनकर रेडी है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका लिड निकाल कर देख लेती हूँ और इस आटे को रिमूव कर लेती हूँ। और यहाँ पर हमारी हैदराबादी टेस्टी यमी डिलीशियस माउथ वाटरिंग मटन दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स, इसमें से आ रही है ज़बरदस्त खुशबू। इसमें का चावल और साथ ही मटन एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने प्लेटिंग कर ली है। चलिए देखते हैं हम इसके साथ और क्या क्या सर्व करते हैं। हैदराबादी स्टाइल मटन दम बिरयानी के साथ मैं सर्व करने वाली हूँ दही का रायता, सलाद और फ्रूट सलाद। और आपको मेरे हाथ की जबरदस्त लाजवाब यमी हैदराबादी मटन दम बिरयानी रेसिपी कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये जो सलाद देख रहे हो, इसकी प्लेटिंग मैंने कैसे की, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, देखिए और बताइए, लग रहे हैं ना ये डिशेस कलरफुल एंड टेस्टी। आई होप कि आपको ये मेरी बिरयानी रेसिपी वाली एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मेरी ये बिरयानी रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करना, आपकी भी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस यमी बिरयानी को देखकर मुझे तो लग रही है ज़बरदस्त भूख और मैं जा रही हूँ इसे टेस्ट करने। तब तक के लिए ऑलवेज ईट हेल्दी एंड टेस्टी। बाय।